नमस्कार, एनबीसी न्यूज की टॉप 10 न्यूज में आप सभी का स्वागत करते हैं। सुबह की शुरुआत एनबीसी की खबरों के साथ, जानेंगे देश विदेश की खबरें एक साथ। चुनाव में ईवीएम का इस्तेमाल बंद करने की मांग वाली याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने किया खारिज। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 को चुनौती देने वाली सभी याचिकाओं पर 9 सितंबर को होगी सुनवाई। संजय राउत की न्यायिक हिरासत खत्म, पीएमएलए को चलाया गया। लखनऊ के लेवाना होटल में लगी आग, 15 लोग रेस्क्यू किए गए, 2 अस्पताल में भर्ती। उत्तराखंड में ऋषि सुनक लिस्ट ट्रस्ट के बीच पीएम पद की रेस शुरू, आज शुरू होगा काउंटडाउन। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने साइरस मिस्त्री के निधन पर जताया शोक। फौज भर्ती खत्म करने के बाद अब सीआईएसएफ पद पर भी ताला लगाने की तैयारी, रणदीप सुरजेवाला का कहना। लखनऊ में योगी आदित्यनाथ ने शिक्षक दिवस पर गुरुजनों को किया सम्मान, लॉन्च करेंगे 5 पोर्टल। अमेरिका में बराक ओबामा ने ओवर ग्रेट नेशनल पार्क डॉक्यूमेंट्री के लिए एमी अवार्ड जीता। और एशिया कप में पाकिस्तान ने भारत को 5 विकेट से हराया, आखिरी ओवर में जीत लिया मैच।